ready. सो हे गाइज वेलकम टू चैनल एंड फाइनली मच नई वीडियो साथ। तो गाइज ये वीडियो नाली 5A क्लोज के ऊपर है एंड जो अंदर 5A क्लो खेलना चाहते हैं एंड जिसको 5A क्लो में कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की नहीं पड़ने वाली, तो एंड तक बने रहिएगा। आप लोग 5A क्लो एक वीक या उससे भी कम समय में भी सीख सकते हो। जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ आपको बस करनी है, क्योंकि मैं खुद 4 फिंगर से 5A क्लो में शिफ्ट हुआ हूँ और मैं 5A क्लो पर काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कभी भी मुझे क्लो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारे काम इसी कंट्रोल पर अच्छे से हो जाते हैं। मैं स्नैपिंग करना चाहता हूँ तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है एंड 5 फिंगर कंट्रोल्स तो होते हैं रिफ्लेक्स के लिए, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड फिंगर रहती है जिससे आपके रिफ्लेक्स और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। 5 फिंगर क्लो के बारे में यार मैं सब कुछ बताऊंगा, बेसिक सेटिंग एंड सेंसिटिविटी एंड क्या क्या ड्रिल्स चाहिए होती है इसको सीखने के लिए। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ऐसी गेम प्ले रिलेटेड वीडियो के लिए। चलो बात करते हैं आपको 5 फिंगर खेलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बिकॉज आपको काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप 2 फिंगर 3 फिंगर या 4 फिंगर खेलते हो तो आपको चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल्स की, बिकॉज 5 फिंगर खेलने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल का सेटअप चाहिए होगा। तो मैं आपको अपना कंट्रोल कोड तो दे ही दूंगा, तो साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरा कंट्रोल सेटअप कैसा है। तो मेरा फोन है realme 8 जो कि 6.4 इंचेस का है। तो अगर आपका फोन इससे छोटा है या बड़ा है तो आपको सेम कंट्रोल नहीं मिलने वाले, ये कंट्रोल इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन से कंट्रोल कहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और से 5 फिंगर कंट्रोल्स हैं तो आप उस पर भी खेल सकते हैं एंड अपने खुद की कंट्रोल्स भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा कंट्रोल कोड चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वो कंट्रोल कोड दे दिए हैं। अब कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो इन कंट्रोल के साथ बेस्ट होने वाली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैमरा रोटेशन वाइल एडेस आपको ऑफ रखना है और आपको ये स्कोप मोड भी होल्ड पर रखना है और जो ये फोकल लेंथ एडजस्टमेंट है इसको भी आपको होल्ड पर रखना है। ये आपको हेल्प करेगा 6x2 थ्रेड्स लाने में, क्योंकि जो मैंने सेटिंग्स की हुई है इससे आपकी मूवमेंट स्पीड एंड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं। एंड जो ये एडवांस कंट्रोल है इसको आपको खुद अपने अकॉर्डिंग रखने हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको फ़ोन पकड़ना कैसे है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की 2 फिंगर है उसको आपको फ़ोन नीचे रखना है, जो बाकी फिंगर होती है उसको आपको गेम प्ले में काम आता है। तो यार स्टार्टिंग में थोड़ा ये अनकंफर्टेबल लगेगा, बट अगर आप गेम धीरे धीरे खेलोगे तो ये आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। अब राइट साइड की बात करें तो जैसे सिंपल 4 फिंगर वाले बंदे रखते हैं वैसे ही आपको रखना है, 2 फिंगर ऊपर बाकी सारे फिंगर नीचे। तो हो गया आपका ये सेटअप और आपको फ़ोन को भी ऐसे ही सेटअप करना है और हो गया आपका काम। अब आपको बस ट्रेनिंग करनी है 5 फिंगर क्लो की। तो अब मैं अपना बताऊँ तो मुझे 5 फिंगर कंट्रोल सीखने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगे थे और स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने कंट्रोल सेटअप किए तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा खेलने लगा था। इस क्लो में जो मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रहे थे, तो मुझे गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है इन 5 फिंगर कंट्रोल्स पर। तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मेरे को सिर्फ 5 फिंगर कंट्रोल्स ही खेलने हैं। तो आपको भी जल्द से जल्द कंट्रोल पे मास्टर कर लेना चाहिए और 5 फिंगर को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करें और हर एक बटन का यूज़ करते हुए करना है जिससे आपका हाथ जल्दी से जल्द सेट हो जाए न्यू कंट्रोल्स पर। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मैं आपको बताऊं तो एक्यूरेसी के लिए जो आपका क्रोसियर है उसकी प्लेसमेंट सीखनी पड़ेगी। उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड एंड टीडम खेलो और स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, सिर्फ एम पे फोकस करना। अगर आप स्पीड पे फोकस करते हो तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, इसलिए सिर्फ पहले एक्यूरेसी पे फोकस करें। अगर आपको स्पीड चाहिए तो वो धीरे धीरे खुद आ जाती है एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपकी स्पीड अपने आप आ जाती है, अगर आपका हाथ सेट है कंट्रोल्स पर। तो बस यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।